ये लो मम्मी जी आपकी चाय। बहू तूने तो आते ही इस घर को संभाल लिया। भगवान से जैसे मैंने बहू मांगी थी ना तू वैसे ही है। दीदी मैंने चाय ना मम्मी के कमरे में ही रख दिया है। भाभी मेरी चाय तो यहीं ले आओ। ठीक है कोई जरूरत नहीं है वहां देके आने की, वो कोई रानी महारानी नहीं है। रेनू यहीं आ जा और यहीं आकर पी ले, बहू आनी लेकर आएगी चाय तेरे लिए। अरे कोई नहीं मम्मी जी मैं दे आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है बहू उसकी इतनी आदत खराब करने की, आ जाएगी यहीं। अरे मैं तो गैस पर दूध रख कर आई थी। क्या है मम्मी, अगर भाभी वहां चाय ले आती तो मेरी ज्यादा ना इस देह को आराम की आदत मत डाल, देख रही हूँ मैं तुझे। अरे बहू के आने से पहले फिर भी एक दो काम को हाथ लगा दिया करती, अब तो जब से बहू आई है तूने तो एक काम को भी हाथ लगाना छोड़ दिया। भाभी कर रही है ना, सुबह सुबह हो जाओगी भाषण देना चालू, इसलिए नहीं बैठती मैं आपके पास। 24 घंटे बस बहू के नाम की माला जपती रहती हो, देख रही हूँ मैं जब से वो आई है ना मुझे तो भूल ही गई हो। माता मैं आपकी बेटी हूँ और वो बहू है, देख लेना बहू बहू होती है और बेटी बेटी। हाँ हाँ देख रखी है। हाँ पापा मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। हाँ मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, भगवान किसी की नज़र ना लगे उनको। हाँ पापा याद है मुझे राखी का भी, अब रुकने का तो मैं कैसे कहूँ, मम्मी से पूछ कर ही बताऊँगी, पर हाँ राखी मेरे में पक्का आऊँगी। ठीक है पापा ठीक है। मम्मी जी वो पापा का फोन आया था, कह रहे थे कि सावन का महीना भी खत्म होने को है और राखी भी आने को है, तो वो तो भाभी राखी का त्योहार आपका ही है मेरा नहीं है। तू इसकी भी सुन ले, तू बाद में ही बोल लेना। मम्मी जी मैं सोच रही थी कि मैं हफ्ता भर रुक भी आऊंगी और राखी वाले दिन है ना मैं सुबह सुबह अपने भाई को राखी बांध के ना 8:30-9 बजे तक आ जाऊंगी, और वैसे भी यहाँ तो त्योहार थोड़ा लेट ही होता है, बुआ जी को भी आते आते देरी हो जाती है, तो यहाँ का भी त्योहार हो जाएगा। और वो सही कह रही है बहू, तो वैसे भी यहाँ तो आना जाना पूरे दिन का ही रहेगा, और मैं और रेनू तो हैं ही, थोड़ी बहुत हम तैयारी कर लेंगे, बाकी की तू आकर कर लेना। जा बेटा तू अपनी तैयारी कर ले, हम यहाँ हैं तू यहाँ की चिंता मत करना। ठीक है मम्मी जी। क्या है मम्मी, भाभी 1 हफ्ते की कह कर गई हैं, 1 दिन की नहीं। अरे सुन तो लेती ध्यान से। सुन ली मैंने, बहरी नहीं हूं मैं। अरे सोचो उनके जाने के बाद फिर काम कौन करेगा। अरे हाँ बेटा ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैंने तो खुशी खुशी में बहू को जाने की हाँ कर दी। चलो अब कोई नहीं कह दी तो, अब ऐसा है मैं तेरे लिए दूध करके तो दे ही दूंगी, इतना तो कर ही सकती हूँ। और हाँ तू मेरे लिए ना बैसाखी ले आना। दूध मम्मी क्या मैं, और बैसाखी आपको चलने में तकलीफ थोड़ी है, ठीक ठाक हो आप। हाँ बेटा तू तो दूध पीती बच्ची है, और मैं ठहरी लंगड़ी लूली, अब मुझसे चलाने जा रहा तो। मम्मी क्या कहे जा रही हो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा भगवान की दया से मैं भी ठीक हूँ, और तू भी इतनी छोटी बच्ची नहीं है, शादी लायक हो रही है। अरे तेरी भाभी के आने से पहले भी इस घर में काम होते थे ना, अभी इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो आई है तो सारी जिम्मेदारी उसी के सिर आ गई। वो अपने मायके जा रही है तो तेरे क्यों पेट में दर्द हो रहा है, भेजने वाली मैं जाने वाली वो। और बेटा कल को भी तुझे ससुराल जाना है, अगर तेरी सास और तेरी नंद तेरे साथ ऐसा करेंगी कैसा लगेगा तुझे। नहीं मम्मी शादी के बाद ये नहीं कि बेटी का मायका छूट ही जाए या वहां से उसका रिश्ता ही टूट जाए। रिश्ता तो बेटा एक बेटी का मरते दम तक रहता है मायके से, अगर सब ठीक ठाक रहे तो।